अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक के अंदर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस की दूसरी किस्म हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर प्रिंटर्स, उसके फीचर्स और उसकी पहली किस्म इम्पैक्ट प्रिंटर्स और उनकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इस डिजिटल दौर में जब हर चीज मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर के अंदर महसूस की जा रही है, हमें प्रिंटर की जरूरत क्यों पेश आती है? तो दोस्तों कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपके हाथ में मौजूद कोई भी डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड पेपर या फिर बुक को पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप उसको कहीं भी और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बुक आपके कंप्यूटर के अंदर महफूज है और वही बुक आपके हाथ में मौजूद है, तो आप अपने हाथ में मौजूद बुक को पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आप किसी भी पेन के जरिए उस बुक के ऊपर कोई भी लफ्ज को हाईलाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर उसके मीनिंग लिख सकते हैं और हाईलाइटेड चीजों को जब चाहे बुक को खोलकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए प्रिंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रही हैं। और दोस्तों प्रिंटर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मार्केटिंग की फील्ड में किया जा रहा है, यानी प्रिंटर्स के जरिए ब्रोचर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर को शाये किया जाता है और इसके जरिए मार्केटिंग की जाती है। दोस्तों आमतौर पर सॉफ्ट कॉपी मार्केटिंग हार्ड कॉपी मार्केटिंग के मनिस्बत कम यूज की जाती है, यानी कम इफेक्टिव होती है, क्योंकि पेपर पर मौजूद चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना, यानी पेपर के ऊपर मौजूद चीजों से तवज्जो हटाना ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन के अंदर मौजूद एड्स या फिर किसी और चीज से। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि प्रिंटर होता क्या है। कंप्यूटर के अंदर मौजूद अल्फाज, तस्वीर या फिर ग्राफिक्स को कागज पर मुंतकिल करने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रिंटर कहलाती हैं। दोस्तों किसी भी इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी हासिल करने के लिए प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर प्रिंटर्स को खरीदने के लिए जिन चीजों का ख्याल रखा जाता है उनमें सबसे पहले है प्रिंटिंग स्पीड, उसके पेपर्स की रेजोल्यूशन, उसके अंदर मौजूद मेमोरी, कलर और कार्ट्रिजेस और प्रिंटर का इंटरफेस। दोस्तों आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। स्पीड, आमतौर पर प्रिंटर्स की स्पीड को नापने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो पीपीएम कहलाती है, मींस पेजेस पर मिनट। दोस्तों आपका प्रिंटर एक मिनट में कितने पेजेस को छाप सकता है, इससे उस प्रिंटर की स्पीड का तयन किया जाता है, यानी इससे आपके प्रिंटर्स की एबिलिटी को नापा जा सकता है। दोस्तों आमतौर पर कलर प्रिंटर्स ब्लैक और व्हाइट प्रिंटर्स की निस्बत हल्की स्पीड में काम करते हैं। इसके बाद है रेजोल्यूशन, जिस तरीके से डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर मौजूद इमेजेस पिक्सल्स पर मुश्तमिल होती थी और नंबर ऑफ पिक्सल्स को रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता था, बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंटर के ऊपर मौजूद कैरेक्टर्स डॉट्स से मिलकर बनते हैं और एक पेज पर कितने डॉट्स हैं ये उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है, जिसको डॉट पर इंच से नापा जाता है, यानी पेज पर मौजूद एक इंच कितने डॉट्स पर मुश्तमिल है इसे इसकी रेजोल्यूशन कहा जाता है। पेपर पर मौजूद डॉट्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजोल्यूशन भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उस पर मौजूद कैरेक्टर्स या फिर तस्वीरें उतनी ही ज्यादा साफ और शार्प होंगी। दोस्तों इसके बाद है प्रिंटर्स की मेमोरी, आमतौर पर प्रिंटर्स के अंदर मेमोरी होती है जिसके अंदर पहले से चीजों को लोड करा दिया जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि बड़ी से बड़ी तस्वीरें बिना रुके यानी बिना टाइम लिए बासानी प्रिंट करवाई जा सकती हैं। दोस्तों इसके बाद है कलर्स, प्रिंटर्स कलर्स के हिसाब से दो तरह के होते हैं,
कलर प्रिंटर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। कलर प्रिंटर के जरिए किसी भी अल्फाज, तस्वीर या फिर ग्राफिक्स के अंदर कलर्स को भरा जा सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर के जरिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक यानी काले और सफेद कलर के अल्फाज, तस्वीरें और ग्राफिक्स को छापा जा सकता है। दोस्तों, कलर प्रिंटर्स ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स की निस्बत ज्यादा कीमत के होते हैं और इनके अंदर मौजूद इंक कार्ट्रिजेस को बार बार तब्दील करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद है कार्ट्रिजेस। जिस तरीके से कलर के हिसाब से दो तरह के प्रिंटर्स मौजूद होते हैं, इसी तरीके से कार्ट्रिजेस की भी दो टाइप्स होती हैं। सेपरेट कार्ट्रिजेस जो के ब्लैक यानी काली और सफेद इंक पर मुश्तमिल होती है और दूसरी होती है मल्टी कलर कार्ट्रिजेस जो के बहुत सारे कलर्स से मिलकर बनती है, यानी बहुत सारे कलर्स की इंक मौजूद होती है। सेपरेट इंक कार्ट्रिजेस मल्टी कलर इंक कार्ट्रिजेस की निस्बत सस्ते होते हैं। इंक कार्ट्रिजेस से निकलने वाली इंक के साइज से किसी भी प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी इंक ड्रॉप यानी इंक का साइज जितना छोटा होगा उससे हासिल होने वाली प्रिंटिंग कॉस्ट उतनी ही कम होगी और उससे निकलने वाली इमेजेस या फिर करेक्टर्स की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। दोस्तों, इसके बाद है इंटरफेस, यानी प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कौन से इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है यूएसबी। इस तरह के केबल को यूएसबी केबल कहा जाता है जिसके जरिए कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ा जाता है ताकि कंप्यूटर से आने वाले डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को प्रिंटर के जरिए छापा जा सके। इसके बाद है पैरेलल। इस तरह की पोर्ट को पैरेलल पोर्ट कहा जाता है जिसके जरिए कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ा जाता है। इसके बाद है नेटवर्क। आमतौर पर वायरलेस नेटवर्क यानी राउटर्स के जरिए प्रिंटर्स को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। वायरलेस यानी तारों के बगैर जो सेटअप होता है उसको वायरलेस सेटअप कहा जाता है। दोस्तों, ये तो थी प्रिंटर्स के फीचर्स। आइए अब हम प्रिंटर्स की टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इसी तरीके से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर्स को मजीद दो इकसाम में तोड़ा जा सकता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। इसी तरीके से लाइन प्रिंटर की भी दो इकसाम मौजूद हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। दोस्तों, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के करेक्टर प्रिंटर्स की भी दो इकसाम है, थर्मल और इंकजेट प्रिंटर। और इसी तरीके से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में लाइन प्रिंटर्स की भी दो और मजीद इकसाम है, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। दोस्तों, प्रिंटर्स तो इसके अलावा भी बहुत से मौजूद हैं, लेकिन अपने इन आज के लेक्चर्स में हम इन तमाम प्रिंटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट के मायने होते हैं असर रखना। इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर हम किसी भी असर रखने वाली चीज जैसे कि हैमर्स और पिन के जरिए अल्फाज और तस्वीरों को छापते हैं। दोस्तों, ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये ना सिर्फ हल्की रफ्तार में प्रिंट निकालती है बल्कि इससे हासिल होने वाली प्रिंटिंग की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। दोस्तों, लेकिन अपनी लो कॉस्ट यानी कम कीमत की वजह से इसको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी दो टाइप्स हैं, लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आमतौर पर एक वक्त में एक लाइन को प्रिंट करते हैं और करेक्टर प्रिंटर एक वक्त में एक करेक्टर को छाप सकते हैं। आइए करेक्टर प्रिंटर की सबसे पहली किस्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डिटेल में पढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स दो अल्फाजों का मजमुआ है, डॉट्स यानी कोई भी नुक्ता या फिर नुक्ते। मैट्रिक्स जब बहुत सारे नुक्तों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो एक खास किस्म की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं
जो कि मैट्रिक्स कहलाती है। दोस्तों इसीलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हासिल होने वाली तस्वीरें या फिर अल्फाज नुक्तों पर मुश्तमिल होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंट हेड, प्रिंट पिंस और इंक रिबन। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर मौजूद प्रिंट हेड पिंस की मदद से प्रिंट करता है, यानी पिंस को इंक रिबन पर स्ट्राइक कराया जाता है जिसकी वजह से इंक पेपर पर मुंतकिल हो जाती है। आइए इसकी वर्किंग को और डिटेल में पढ़ते हैं। जब प्रिंटर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो उसके अंदर मौजूद पेपर हेड यानी प्रिंट हेड दाएं और बाएं जाने मूव करने लगता है और साथ साथ अपने अंदर मौजूद पिंस को आगे की तरफ धकेलता है, तो वो पिंस इंक रिबन से जाके टकराती हैं जिसकी वजह से इंक यानी स्याही पेपर पर मुंतकिल हो जाती है। दोस्तों अलग अलग डॉट मैट्रिक्स में अलग अलग नंबर्स की पिन मौजूद होती हैं। ऐसे प्रिंटर्स जो कि कीमत में कम होते हैं उनमें 9 पिंस मौजूद होती हैं और जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है प्रिंट हेड में मौजूद पिंस की तादाद भी बढ़ती जाती है, जो कि अब तक 32 पिंस तक हो गई है। जितनी पिंस की तादाद ज्यादा होगी डॉट्स पर इंच यानी एक इंच में मौजूद डॉट्स की तादाद भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उसकी रेजोल्यूशन और पेपर की क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा बेहतरीन होगी। दोस्तों इनको आमतौर पर CPS में नापा जाता है, यानी एक सेकंड में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने करेक्टर्स को छाप सकता है इससे उसकी स्पीड का तायुन किया जाता है। आमतौर पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 32 से लेकर 75 करेक्टर्स को एक वक्त में छाप सकते हैं। दोस्तों आइए इनके फायदे और नुकसानात को देखते हैं। इनका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इनके अंदर से आवाज बहुत पैदा होती है जो कि पिंस के बार बार इंक रिबन को हिट करने की वजह से होती है। दोस्तों दूसरे प्रिंटर के मुकाबले में कम क्वालिटी और कम रफ्तार होने के बावजूद इनको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये ना सिर्फ बहुत ज्यादा सस्ता होता है बल्कि आप एक कार्बन कोटेड पेपर का इस्तेमाल करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के बहुत सारी कॉपीज एक साथ निकाल सकते हैं, जो कि ज्यादातर बैंक्स पेरोल डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर को लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जरिए हासिल होने वाले प्रिंटर पेजेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है। दोस्तों इसको 1970 में डॉक्टर एंड्रयू ने इन्वेंट किया था। ये भी डॉट मैट्रिक्स के फिनोमेना पे काम करते हैं, यानी इनके अंदर भी तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक व्हील होता है, व्हील जो कि मेटल या फिर प्लास्टिक का होता है और इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियों जैसे पेटल्स होते हैं जिनके ऊपर अल्फाज उभरे हुए होते हैं, यानी इनके आउटर एजेस पर अल्फाज करेक्टर्स को उभारा जाता है। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स की तरह इनके अंदर पिंस की जगह हैमर मौजूद होता है जो कि इंक रिबन पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इंक रिबन जिसके अंदर इंक मौजूद होती है। दोस्तों आइए इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर व्हील्स पर करेक्टर्स नंबर्स और सिंबल उभरे हुए होते हैं। प्रिंटर को जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो प्रिंटर उस व्हील को घुमाता है ताकि जो भी करेक्टर प्रिंट करवाना हो वो पेपर के सामने आ जाए। दोस्तों जैसे ही करेक्टर पेपर के सामने आता है हैमर उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो पेटल पर मौजूद करेक्टर इंक रिबन पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से इंक रिबन में मौजूद इंक पेपर के ऊपर मुंतकिल हो जाती है। दोस्तों आइए डेजी व्हील प्रिंटर के फायदे और नुकसानात को देखते हैं। दोस्तों ये सबसे ज्यादा 1970s और 1980s तक बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे, क्योंकि ये अलग अलग करेक्टर्स के फॉन्ट्स को छाप सकते थे, लेकिन इनके स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो होती है और ये ग्राफिक्स को यानी तस्वीरों और टेबल्स को छाप नहीं सकते।
दोस्तों ये भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह बहुत ज्यादा आवाज पैदा करते हैं, इसीलिए अब इनका इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके बाद आते हैं लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स जो एक वक्त में एक पूरी लाइन को प्रिंट करवा सकते हैं वो लाइन प्रिंटर्स कहलाते हैं। दोस्तों पिछले हमने जो प्रिंटर्स पढ़े वो करेक्टर प्रिंटर्स थे, यानी वो एक वक्त में सिर्फ एक करेक्टर को प्रिंट करा सकते थे, जिसकी वजह से लाइन प्रिंटर्स की स्पीड करेक्टर प्रिंटर्स से ज्यादा होती है। दोस्तों पिछले प्रिंटर्स की स्पीड को CPS यानी करेक्टर पर सेकंड में नापा जाता था, क्योंकि ये पूरी लाइन को प्रिंट कराते हैं इसीलिए इनको LPM यानी लाइंस पर यूनिट के सिंबल से नापा जाता है, यानी एक मिनट में आपका प्रिंटर कितनी लाइंस को प्रिंट करवा सकता है इससे उसकी स्पीड का तायुन किया जाता है। आमतौर पर ये 600 लाइनों को एक मिनट में यानी 10 पेजेस को एक मिनट में प्रिंट करा सकते हैं। लाइन प्रिंटर्स की सबसे पहली किस्म है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर को बैरल प्रिंटर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि एक लाइन को प्रिंट कराने के लिए ड्रम का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर भी तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है ड्रम। ड्रम जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का ड्रम होता है जिसके ऊपर कॉलम के अंदर करेक्टर्स उभरे हुए होते हैं। दोस्तों ड्रम के ऊपर मौजूद कॉलम इस बात का तायुन करते हैं कि एक लाइन में कितने करेक्टर्स प्रिंट होंगे। जैसे कि अगर एक कॉलम में 94 करेक्टर्स मौजूद हैं तो ड्रम प्रिंटर एक लाइन में एक वक्त में 94 करेक्टर्स को प्रिंट करवाएगा, और हर कॉलम के लिए एक अलग हैमर मौजूद होता है जिससे ड्रम प्रिंटर पर स्ट्राइक कराया जाता है। उसके अंदर मौजूद होती है एक इंक रिबन जिसके अंदर इंक मौजूद होती है। दोस्तों आइए इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। ड्रम प्रिंटर को रोटेट कराया जाता है ताकि डिजायर्ड करेक्टर सामने आ जाए, और जैसे ही करेक्टर सामने आता है हैमर जो कि प्रिंट पेपर के पीछे मौजूद होता है वो पेपर पर स्ट्राइक करता है ताकि पेपर को आगे की तरफ धकेल सके। जैसे ही वो पेपर को आगे की तरफ धकेलता है जिससे ड्रम पर मौजूद करेक्टर इंक के जरिए पेपर पर छप जाता है। दोस्तों जिस तरीके से घड़ी पर मौजूद सेकंड की सुई 60 सेकंड में एक रोटेशन को कंप्लीट करती है, बिल्कुल इसी तरीके से ड्रम भी 60 मिलीसेकंड में अपनी एक रोटेशन को पूरा करता है, यानी 60 मिलीसेकंड्स में ये एक लाइन को प्रिंट करवाता है। दोस्तों ये ऊपर मौजूद तमाम तरीके कर एक करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है। अगर एक लाइन में 94 करेक्टर्स को प्रिंट करवाना है तो ड्रम अपनी एक रोटेशन में इस तरीके को 94 दफा दोहराएगा जिससे एक पूरी लाइन एक रोटेशन में प्रिंट हो सकेगी। आइए इसके फायदे और नुकसान को देखते हैं। दोस्तों ये दूसरे प्रिंटर्स के मुकाबले में ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ प्रिंट निकालता है, लेकिन इसके जरिए तस्वीरों को छापा नहीं जा सकता और इससे हासिल होने वाला प्रिंट भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसकी कॉस्ट दूसरे प्रिंटर्स की निस्बत ज्यादा होती है, और डेजी व्हील प्रिंटर की तरह ये फॉन्ट्स को यानी अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स को भी छाप नहीं सकता। इसके बाद है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि चेन की मदद से एक पूरी लाइन को छाप सकता है। इसको 1950s में इन्वेंट किया गया था। दोस्तों इसके अंदर भी तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। चेन जिसके अंदर छोटी छोटी प्लेट्स पर करेक्टर नक्श हुए होते हैं, जब बहुत सारे करेक्टर्स पर मुश्तमिल प्लेट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो वो एक चेन की तरह दिखती है। इसके बाद है हैमर जिससे पेपर पर स्ट्राइक किया जाता है, और इंक रिबन जिसके अंदर इंक मौजूद होती है। आइए इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। जब चेन को हॉरिजॉन्टली रोटेट कराया जाता है यानी चेन को घुमाया जाता है, और जैसे ही डिजायर्ड करेक्टर यानी ऐसे करेक्टर्स जिनको प्रिंट करवाना होता है सामने आते हैं, हैमर पेपर को हिट करता है और चेन पर मौजूद करेक्टर
उस पेपर पर छप जाते हैं। दोस्तों, एक पूरी लाइन को प्रिंट करवाने के लिए चेन को मुसलसल मूव कराने की जरूरत होती है। इसके अंदर एक से ज्यादा एमर्स मौजूद होते हैं ताकि एक वक्त में एक लाइन में बहुत सारे करेक्टर्स को हिट कराया जा सके, जिसके जरिए बहुत सारे करेक्टर्स एक लाइन पर छप सकें। दोस्तों, आइए इसके फायदे और नुकसान को देखते हैं। ये ड्रम प्रिंटर के मुकाबले में ज्यादा तेजी से प्रिंट करता है, इसीलिए ये एक वक्त में 132 से लेकर 144 लफ्जों को एक लाइन में प्रिंट करा सकता है। दोस्तों, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी चेंज कर सकता है, यानी आप इसके अंदर उर्दू, इंग्लिश और भी दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस को छाप सकते हैं। ना सिर्फ ये फॉन्ट्स को चेंज कर सकता है, बल्कि फॉन्ट्स के स्टाइल जैसे कि इटैलिक, बोल्ड और भी अलग अलग तरह के स्टाइल्स को इसके जरिए छपवा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इसके जरिए ग्राफिक्स यानी टेबल्स, तस्वीरें और चार्ट्स को प्रिंट नहीं करा सकते, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होती है। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इसके अंदर मौजूद चेन को तब्दील करना मुश्किल होता है। दोस्तों, ये थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स और उसकी टाइप। अगले लेक्चर में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।